हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी, यदि आपने 12 ऑपरेटर नलकूप चालक का एग्जाम दिया था तो इसमें क्या है कि एक बार फिर से रिजल्ट आउट हुआ है। ये रिजल्ट किस लिए आया है, किन बच्चों का है, वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी ट्रिपल एस सी, जहाँ पर यदि आपने ITI बेस पर नलकूप चालक के लिए एग्जाम दिया था उसके बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट आया था। तो हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिनका जो है उसमें सिलेक्शन भी हुआ और काफ़ी बच्चों से हमसे बात भी हुई। सो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि जब आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका इंटरव्यू टाइप से जो भी कुछ हुआ था प्रोसेस, उसमें क्या था कि कुछ बच्चे अब्सेंट हो गए थे और कुछ के जो है डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हो पाए। तो अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट का कैटेगरी वाइज फिर से जो है उनको चांस दिया गया है, उनका रिजल्ट आउट हुआ है। तो अभी क्या है कि इसमें जो मेरिट थी, मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं PDF फाइल, इसमें नोटिफिकेशन ये 27 जून 2019 का था, जिसमें कि आपको हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको समझाया था किस टाइप से आपको रिजल्ट देखना है। तो ये सारे बच्चे वो हैं जिनका पहले रिजल्ट आउट हुआ था। अभी इसमें से इनके डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट होने के बाद जो बच्चे अब्सेंट थे, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हुए, तो उनके लिए जो है फिर से रिजल्ट आउट हुआ है। तो ये जो मेरिट दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों, ये पिछली मेरिट थी, देख सकते हैं आप 27 जून 2019 की। इसके बाद जो मेरिट लगी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। तो फ्रेंड्स, ये पहले की मेरिट देख सकते हैं, ये 39 पे थी अनारक्षित जनरल की, ठीक है। अभी क्या है कि जो नई मेरिट लगी है तो किन किन बच्चों की लगी है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको PDF फाइल का जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये नोटिफिकेशन दोबारा से जारी हुआ है 13 सितंबर 2019 का, यानी कि कल की डेट में ये जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश ये जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई है कि 3210 जो आपकी पोस्टें थी उसमें ये एडवर्टाइज नंबर वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों पढ़ने वाली बात है, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि 3210 पोस्ट अभ्यर्थियों से 170 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनकी अर्हता विज्ञान विज्ञापन में उल्लेखित ITI ट्रेड भिन्न थी, यानी कि उनकी ITI ट्रेड जो है कुछ अलग थी, जिसके कारण 170 बच्चे ये हो गए। और इसके बाद जो है यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं, यहाँ देख सकते हैं उक्त 170 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त 444 ऐसे विद्यार्थी थे जिन जो दिनांक 22/7/2019 से 29/7/2019 तक आयोग अभिलेखन सत्यापन परीक्षा में अनुपस्थित रहे। तो यहाँ मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि 783 बच्चे ऐसे हैं जिनको इसमें जो है चांस मिला है, न्यू चांस मिला है बच्चों को, जो अब्सेंट हो गए थे, जो बच्चों के ITI के डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं थे। तो अब यहाँ पे क्या है कि कट ऑफ कुछ कम करके बनाई गई है, जिससे कि जो नेक्स्ट स्टूडेंट थे मेरिट लिस्ट में जो आने वाले थे उनके लिए फिर से एक लिस्ट जो है जारी करी गई है। तो वह जो है इसमें रोल नंबर वाइज पूरी डिटेल्स दी गई है, यदि आपका रोल नंबर आप अपना देखें और इस लिस्ट में नाम है तो आपका आने वाले टाइम में इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, पूरी मैं जानकारी इसमें दे देता हूं कि कट ऑफ कितनी थी, ये सब आप देख रहे हैं, ये उनके रोल नंबर हैं जिन बच्चों को अब इसमें चांस मिला है। ये आपको ध्यान देना है, आपको अपना रोल नंबर चेक करना है। तो यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो ये लिस्ट है पूरी रोल नंबरों की। तो इस PDF फाइल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये नीचे तक आप देखेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, ये फर्स्ट के बाद ये सेकंड पेज है इसका रोल नंबर का, इसके बाद आप नीचे जाएंगे, ये भी रोल नंबर का पेज है। तो यहाँ पे आप इस पेज के बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 13 सितंबर 2019 को ये जारी किया गया है यूपी ट्रिपल एस सी वेबसाइट पर। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरिट जो कट ऑफ क्या बनाई गई है, अनारक्षित जो कट ऑफ है जनरल की, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल की 38 मेरिट यहाँ पे अब नई मेरिट बनाई है, और जबकि इससे जो पिछली वाली मेरिट थी वह आपकी जो है 39 पॉइंट समथिंग थी। अब यहाँ अनुसूचित जाति की 32.5 है और अनुसूचित जनजाति की यहाँ पे 8.5 है। तो ये मेरिट अब बनाई गई है, तो इसके अंतर जो बच्चे आ रहे हैं उनको जो है इनका रोल नंबर इसमें जो है लिस्ट में है, तो आप जो है अपने रोल नंबर के हिसाब से इस चीज़ को देखें और इसे समझें। कोई भी जानकारी आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हो सकेगा तो हम उसका आपको जवाब ज़रूर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये आप ये देख रहे हैं पूरी PDF फाइल है, तो इसका नोटिफिकेशन आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये थी आपकी जो पुरानी मेरिट, जैसे कि आप देख सकते हैं अनारक्षित जनरल में 39.5 थी जो पहले मेरिट लगी थी, इसमें 38 हो गई है जो नई मेरिट लगी है। अभी यहाँ अनुसूचित जाति में 33.5 थी, अभी जो नई मेरिट बनी है ये 33.5 मेरिट पुरानी वाली थी, नई मेरिट के हिसाब से 32.5 हो गई, ठीक है। तो ये आपको इसमें कंपैरिजन में आपको दिखा रहा हूँ कि पिछली मेरिट क्या थी, अब एक नंबर कम कर दी गई है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति की देख सकते हैं 8.5 जो है
अभी ये नई मेरिट है और इससे पहले वाली जो थी आप देख सकते हैं 11 पॉइंट समथिंग थी। और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पे लिखा है जो भी आरक्षित आरक्षण दिया गया है उसमें 36 वाई यहाँ पे कह रहा है। तो ये डिटेल्स थी दोस्तों जो मुझे आपको इस वीडियो में जानकारी देनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर काफ़ी सारी टेक्निकल क्लासेस और इंस्ट्रूमेंट्स से जो है काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो उन वीडियो को देखकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बाकी हमारी जो बनाए टेक्निकल बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी अपने जो है बाय कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।